नहीं, आप तो पार्टी के द्वारा देख रहे हैं कि पार्टी के द्वारा जो है कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो अति पिछड़ा वर्ग के समाज के बीच में जो है हमारे जो का पूरी चर्चा किया जाएगा, उसमें जो हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उसका उस पर लोगों का विमर्श, उस पर बात रखी जाएगी और सरकार की उपलब्धि के बारे में जन जन तक पहुँचाया जाएगा। और उसका जो शुरुआत जो है 6 अगस्त से जो राष्ट्रीय मित्रता दिवस है, राष्ट्रीय मित्रता दिवस के दिन से उसकी शुरुआत होगी और 24 जनवरी जो कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती है, जयंती के दिन उसका समापन किया जाएगा। इसी तरह जो है आपने देखा कि पिछले बार भी भीम संवाद को हमने हमारे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के द्वारा जो किया गया, उसका जो है सेकेंड फेज जो है भीम संवाद का, तो उसका 15 अगस्त के उसकी शुरुआत होगी, जो झंडा तोलन जो हमारे अति पिछड़ा जो दलित बस्ती में जो होता है और वहाँ जो बुजुर्ग लोग जो हमारे समाज के जो अनुसूचित जाति के जो बुजुर्ग लोग जो झंडा तोलन करते हैं और वहाँ से सद्भाव की बात होगी, पार्टी के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो उपलब्धियाँ हैं उस पर चर्चा होगी और ये सारी बातों को अवगत लोग सबका, ये पार्टी के 2024 के लिए समर्पित है सब। सभी सहयोगी जो है, जो हम घटक दल के हमारे जो यहाँ हैं महागठबंधन के, ये सभी पार्टी जो हमारे नेता में आस्था रखते हैं और उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है और पूरे मजबूती से चल रही है, कोई इधर उधर की कोई बात नहीं सोची। बयान देखिए, जो कुछ लोग ऐसे लोग को जो कुछ बोलते होंगे तो उनका भी प्लेटफॉर्म है कहने का ना, वो लोग को नोटिस नहीं लेने की जरूरी है जो जिनकी बयान की हम लोग ने प्राथमिकता नहीं लेते। जो बोलने वाले हैं जिनको अधिकृत है वो कुछ बोलते हैं तो उस पर हमसे बात किया जाए। आप गिरिराज सिंह के आप ऐसे लोगों को बात कर रहे हैं जिसका नोटिस ही नहीं लेना, जरूरत नहीं है। अमर्यादित शब्द को जो बोलते हैं लोग जिनका कोई भाषा ही नहीं है, वो लोग की बात कर रहे हैं, वो लोग के पास कुछ है क्या? भाजपा के पास है, भाजपा के जो अलग का मान है माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने क्या किया जनता के साथ? तो 9 साल ठगने ही का काम किया। आज देश की क्या ही स्थिति है? देश के जो है संविधान जो लहूलुहान है, जो संविधान संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब जो है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और कुछ विकास के एजेंडा है क्या उसके पास? कोई विकास की बात है? उन्होंने जो 2014 में उन्होंने जो कहा कि 20 हम लावेंगे, 20 लाख काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15 से 20 लाख देंगे, क्या हुआ? उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे पर साल, हर वर्ष देंगे, क्या हुआ? उन्होंने जो कहा बताइए ना, क्या ये महंगाई बेरोजगारी जो चरम पर है इस पर ना बात कराई? उसी ने पूछी उनसे, अरे हमारे नेता के व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना है, हमारी पार्टी तो देखते हैं ना, पार्टी में हमारी पार्टी में कितना अनुशासन है, हमारी पार्टी तो है जो कि सबको लेकर एक साथ लेकर चलती है, समझे? ये यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, समझे? आइए आइए मंत्री जी, जो इंडिया वाले लोग हैं वो अहंकारी हैं, वो अहंकार में चूर रहे हैं, सब पता चल जाएगा 24 में। ये पता चल जाएगा, ये पता आपको बिल्कुल, वो तो हताश है भाजपा, बेचैन है, हताश है, 2024 को देखते हुए वो घबरा गया है। जो हमारे जो विपक्षी एकता जो मजबूत हो रहे हैं, विपक्षी एकता जो है, जो हमारे नेता जो संकल्प को लेकर चले हैं, जो भाजपा हटाओ देश बचाओ और सबको एकजुट करने में लगे हैं, इसके लिए बेचैन है, हताश है।